ITR भरने से पहले चेक कर लें ये जरूरी अपडेट, वरना होगा भारी नुकसान। अगर दोस्तों आप भी देखना चाहते हो पूरा अपडेट, तो बने रहिए मेरे साथ इस नॉलेजफुल वीडियो में एंड तक। इनकम टैक्स हर किसी को भरना होता है और ये काफी जरूरी है। अगर आपके पास इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप ITR भरकर भी कई फायदों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको पहले इससे जुड़ा ये अपडेट जरूर जान लेना चाहिए। वहीं जब लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो टैक्स बचाने के लिए भी कई उपाय कर सकते हैं। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस पे भी ITR भरते हुए लोगों को फायदा मिल सकता है। वहीं कई मेडिकल इंश्योरेंस पूरे परिवार को कवरेज प्रदान करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर उस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से टैक्स बेनिफिट कौन उठा सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर धारा 80D के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है, ना कि 80C के तहत। धारा 80D के तहत टैक्स बेनिफिट धारा 80C के तहत उपलब्ध 1.5 लाख की कटौती के अतिरिक्त है। नई टैक्स व्यवस्था वित्त वर्ष 23-24 के बाद के लिए और चैप्टर 6A 80C 80D आदि के तहत कटौती नई टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में नई टैक्स रिजिम में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो आप आयकर अधिनियम के अध्याय 6A के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80D में कहा गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती का दावा उस व्यक्ति के जरिए किया जा सकता है जो खुद पति या पत्नी आश्रित बच्चों माता पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है। अधिनियम में प्रस्तावक या पॉलिसी स्वामी का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल यह उल्लेख है कि यदि आप खुद जीवन साथी आश्रित बच्चों माता पिता के लिए पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप कटौती का दावा कर सकते हैं। खुद पति पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए उपलब्ध अधिनियम कटौती 25,000 है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा बढ़कर 50,000 हो जाती है। इसी तरह अगर आप माता पिता की पॉलिसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो आप माता पिता की चिकित्सा बीमा पॉलिसी के लिए 25,000 के अतिरिक्त बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। अगर माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो सीमा बढ़कर 50,000 हो जाती है। वहीं कटौती के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रीमियम का भुगतान गैर नगद पद्धति से किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने परिवार के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति वर्ष 5,000 की टैक्स कटौती का दावा भी कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई इस महत्वपूर्ण जानकारी पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।